हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ। ठीक है, आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। आप में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता रहे थे कि आपको एंजल नंबर शो हो रहे हैं। ठीक है, तो फाइनली मैंने सोचा कि आपके लिए ये रीडिंग लेकर आई जाए कि आपको एंजल नंबर क्यों शो हो रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं मेरे जिन्होंने मेरे को बताया कि उनको एंजल नंबर शो हो रहे हैं, तो फाइनली मैंने सोचा कि अब वीडियो बनाना चाहिए उनके लिए। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत पहले ही ये वीडियो बनाया था। तो तो आज फाइनली मैं इस टॉपिक पर फिर से एक और रीडिंग करने वाली हूँ। और मैं बताना चाहूँगी कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, आपको मेरा काम पसंद आ रहा है। ठीक है, और आप मुझे फीडबैक भी देते हैं और मुझे बताते हैं चीज़ें रेजोनेट आपके साथ हो रही है या नहीं हो रही है। तो बहुत खुशी होती है कमेंट्स पढ़कर, अच्छे अच्छे कमेंट्स जब आते हैं। तो मैं आगे भी आपको ऐसे ही अपना 100% दूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे पाऊँ रीडिंग्स के थ्रू। और नाउ हम एक फैमिली बन गए हैं। ठीक है ना, तो जो भी गाइडेंस आपको मेरे थ्रू मिल रही है, आपको आप में से बहुत सारे लोग बताते हैं कि अब आप ज़्यादा फिक्र नहीं करते हैं। ठीक है, काफ़ी पॉजिटिव थिंकिंग से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत खुशी मिलती है ऐसे कमेंट्स जब मैं पढ़ती हूँ और मुझे लगता है कि हाँ, मैं कुछ हेल्प कर पा रही हूँ आप लोगों की। ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आपके लिए भी, क्योंकि आपका जो एक बर्डन है ना, वो अगर मैं हटा पा रही हूँ तो बस ये मेरे लिए इतना बहुत है। ठीक है, तो फाइनली आज मैं एक रीडिंग करने वाली हूँ, आपको एंजल नंबर क्यों शो हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको नहीं पता कि एंजल नंबर क्या होता है, तो आप प्लीज़ गूगल कर लेना। ठीक है, एंजल नंबर क्या होते हैं और क्यों हमें ये दिखाई देते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि क्यों आपको एंजल नंबर शो हो रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वैसे ये बहुत सारे लोगों के लिए हो रही है, ये ऑल साइंस के लिए है। ठीक है, तो ये एक जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ हमेशा की तरह जो भी रेजोनेट करे उसको रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। ठीक है, ओपन माइंड रहिए। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि एंजल नंबर आप लोगों को शो क्यों हो रहे हैं, क्या रीज़न है, क्या चेंजेस आ रहे हैं। जो भी रीडिंग में आएगा मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। Why are you seeing lot of angel numbers again and again? क्या गॉड आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं। ठीक है, तो पता लगाएंगे हम। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा मेरे साथ, क्योंकि मैं कार्ड्स को खुद से पुल नहीं करती हूँ। फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो विद द फोर ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है कि आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो। ठीक है, जिनको एंजल नंबर शो हो रहे हैं, अर्थ साइन हो सकते हैं आप। और मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि अगर आपको एंजल नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो आपको ना सेविंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है कि आपके बहुत ज़्यादा खर्चे बढ़ गए हों, और आपके हाथ में ना इस टाइम पैसा रुक नहीं पा रहा है। ठीक है, खर्चे आपके बढ़ते ही जा रहे हैं। ओके, तो आपको एंजल नंबर दिखाई दे रहे हैं कि आपको सेविंग्स करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, अपने खर्चों पे कंट्रोल कीजिए आप। और देखते हैं, फिलहाल फर्स्ट कार्ड तो मुझे आपके यही बता रहा है कि आपको सेविंग्स करने की जरूरत है। आप लगता है बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में ऐसा टाइम आया है कि खर्चा आता ही जा रहा है। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आपके पैसे खर्च हो रहे हैं। ओके, थ्री कार्ड्स, थ्री ऑफ कप्स वाटर साइन, फाइव ऑफ सोर्ड्स एयर साइन एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो हो सकता है ना कि आपकी लाइफ में, आपके फ्रेंड्स के साथ या फिर आपके रिलेशनशिप में इस टाइम झगड़े भी हो रहे होंगे। ठीक है, और ऊपर से खर्चे भी आपके काफ़ी हो रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ना आपने इस टाइम ना स्ट्रेस लिया हुआ है अपने माइंड में। ओके, तो आपको ना ये बताया जा रहा है कि आपको स्ट्रेस को हटाना होगा। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ पर स्टक हैं कि आपके जो कोई पार्टनर हैं वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और आप बिल्कुल एकदम बोर हो चुके हैं अपनी लाइफ में, आपने अपनी ज़िंदगी जीना ही छोड़ दिया है, तो आपको ना इस टाइम वो बर्डन हटा कर ना अपनी लाइफ में थोड़ी खुशियां लेकर आनी चाहिए। ठीक है, अपने फ्रेंड से मिलिए, अपने कज़न से मिलिए। ठीक है, उनके साथ बात कीजिए। अब आप अपने अंदर वो बर्डन मत रखिए। ठीक है, क्लैरिटी में आइए। ठीक है, हो सकता है कि
कुछ लोगों के लिए जो मैरिड हैं, हो सकता है कि उनका डिवोर्स हो गया हो, इस वजह से भी वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गया हो हस्बैंड वाइफ के बीच में, ठीक है। या फिर अगर लवर्स कनेक्शन, अगर आपके कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो उनके साथ भी यही सिचुएशन हुई होगी कि आपके बीच में थर्ड पार्टी आ गई है, और हो सकता है कि आपके लवर के साथ या आपके हस्बैंड वाइफ के साथ आपके झगड़े बढ़ रहे हों, ठीक है। तो ये चीज़ भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो आपको बोला जा रहा है कि बहुत सब्र के साथ, पेशेंस के साथ एक्शन लीजिए और थोड़ा ना स्मार्ट बनिए, ठीक है। देखते हैं और क्या है आपके लिए अभी। टू ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी टू ऑफ वैंड्स, द एम्परर एंड द हर्मिट, ओके, टू मेजर अरकानास। यस, तो मैंने कहा ना कि आप में से बहुत सारे लोग अभी सेपरेशन में हैं या फिर आपका डिवोर्स हुआ है, ठीक है, और आप काफी टाइम से ना सिंगल हैं, बहुत टाइम से आप सिंगल हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ, अभी मैं आपके साइन बता दूंगी, अभी मैंने बताया नहीं है। ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है ना कि आप एरीज हो, विर्गो हो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। वैसे हमारे पास सारे ही साइन है, लेकिन हमारे पास स्पेशल एरीज, विर्गो, ओके, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये हमारे पास स्पेशल है यहाँ पर साइन, एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। वाटर साइन है पर थोड़ा बहुत है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या देख पा रही हूँ ना कि यस, आपको ना एंजल नंबर दिखाई दे रहे हैं इसलिए कि आप इस टाइम अपनी लाइफ पर बहुत ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। हो सकता है कि पास्ट में आपके साथ काफ़ी झगड़े हुए हैं आपके पार्टनर के साथ, ठीक है, और आपने काफ़ी ज़्यादा ना स्ट्रगल करा है अपने करियर में भी। हो सकता है आप अभी भी कर रहे हैं, आपका जो करियर है वो बिल्कुल बैलेंस में नहीं है, आप काफ़ी सोचते हैं कि मैं आगे के प्लान्स क्या करूं, ऐसा क्या करूं जिससे मेरा करियर ठीक हो जाए, मेरी लाइफ आगे सिक्योर हो जाए, ठीक है, इस तरीके से आप सोच रहे हैं, और आपको एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है इस टाइम, ठीक है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग ना इस टाइम काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं। हो सकता है कि जो उनके पार्टनर हैं वो अभी उन लोगों के साथ नहीं है, कॉन्टैक्ट में नहीं है, ठीक है, रीज़न कोई भी हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है, फैमिली हो सकती है नहीं मान रही है, या फिर ये भी हो सकता है कि जो मैरिड है उनके बीच में भी कोई थर्ड पार्टी आ गई हो, और ठीक है, हस्बैंड वाइफ में काफ़ी ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पर ना आपको ये बोला जा रहा है कि आप एक मैच्योर पर्सन बनिए, ठीक है, चीज़ों के साथ आपको डील बहुत ही बहादुरी के साथ करना है, ठीक है। आपकी लाइफ में अगर बुरा वक्त आ रहा है तो आपको उसको बैलेंस करना सीखना होगा, ठीक है, आपको एम्परर बनना होगा, आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एक क्लियरिटी में आना पड़ेगा, आपको पता, आपको ये समझना पड़ेगा कि लाइफ में जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं, हमें डील करना पड़ेगा उनके साथ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो हर्मिट आया है, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपने काफ़ी ज़्यादा ना होप खो दी है, तो एंजल नंबर आपको बोल रहे, दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए आपको गॉड दिखा रहे हैं कि आपको होप नहीं खोनी है, ठीक है, जो आपकी लाइफ में आना है वो आएगा, जिसको जाना है वो जाएगा, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे ये पर्सन है, इनके हाथ, इनके पास ये लैम्प है, तो ये भी आशा, उदास हैं लेकिन आशा लगाए हुए हैं, इनको होप है कि आगे चलकर चीज़ें ठीक होंगी। रात के बाद दिन आता है, ठीक है, तूफान के बाद हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है, तो वही होप हमें रखते हैं अपने पास, तो वही चीज़ आपको अपने अंदर लानी होगी, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है तो आप आशा रखिए, होप रखिए, एक दिन ये जो बुरा टाइम है ये ख़त्म होगा, ठीक है, और एक नए तरीके से आप स्टार्ट करेंगे। हो सकता है बहुतों के पार्टनर उनके लाइफ में वापस आ जाएं, और हो सकता है कि जिनके पार्टनर उनके साथ टोटली मूव ऑन कर चुके हैं, नहीं मिल रहे हैं उनों के साथ, नहीं चाहते हैं उनके साथ कनेक्शन में आगे बढ़ना, तो आप प्लीज़ क्यों स्टक हो रहे हैं, उनकी वजह से आप रो क्यों रहे हैं, ठीक है। आपको अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है, अपनी लाइफ को वेस्ट नहीं करना, ठीक है, तो बैलेंस कीजिए अपने आप को। सबसे पहले इस टाइम लगता है आप बहुत इम्बैलेंस हैं, आपको बैलेंस में आने की ज़रूरत है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, आपको अपने वर्क पर, खुद पर इतना फोकस करना है कि आप इस पोजीशन को अचीव करें। द एम्परर,
आपको कोई हर्ट ना पहुंचा पाए, आपको कोई दुखी ना कर पाए, ठीक है। ये पोजीशन आपको अचीव करनी है अपनी लाइफ में, और डेफिनेटली आपको यहाँ पर एक डिसीजन लेना पड़ेगा, टू ऑफ वैंड्स, ठीक है। आपको ये टेंशन को अपने दिमाग में बिठा के रखना है या फिर इससे निकलना है, आपको सोचना पड़ेगा। हो सकता है कि आप दिन रात सोच रहे हैं इन्हीं सब चीज़ों के लिए, ठीक है। कभी कभी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, ठीक है। तो हमें अपने आप को टाइम के साथ चलाना पड़ता है, ओके। तो आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आइए, स्मार्ट बनिए, क्लेवर बनिए, और चीज़ों के साथ डील करना सीखिए, ओके। तो एंजल नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुतों को मैंने देखा था, किसी को 69 दिखाई दे रहा है, किसी को 111, 222, बहुत सारे नंबर्स मेरे को वहाँ पर उन्होंने मेंशन करे हैं। तो मैंने कुछ को बताया भी था कमेंट सेक्शन में कि इसका मतलब ये होता है। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर क्या देख पा रही हूँ ना, कि अभी आपकी जो लाइफ है ना, वो बैलेंस में नहीं है। आपको बैलेंस में आना पड़ेगा, ओके। आपको इमोशनली भी और मेंटली भी दोनों तरीके से आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, तब जाके आप ये एम्परर की पोजीशन अचीव कर पाएंगे अपनी लाइफ में। तो देखते हैं और क्या है आपके लिए। ओके, हमारे पास 4 कार्ड्स आए हैं, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सो वैंड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। ओके जी, तो जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि यस, अगर आप ये चीज करते हैं, खुद को आप बैलेंस में लेकर आते हैं, तो डेफिनेटली आपको काफ़ी क्लियरिटी मिलेगी। आपने बहुत कुछ सीखा अपनी लाइफ से, ठीक है। और आगे चलकर आपको एस ऑफ सोर्स, डेफिनेटली आप कुछ ऐसा प्लान करेंगे, ऐसा कुछ नया स्टार्ट करेंगे कि आपकी लाइफ चेंज होगी, ठीक है। द वर्ल्ड, एक न्यू साइकिल आपकी स्टार्ट होगी। अगर हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर आपकी लाइफ से चले गए हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नए पर्सन आए, नाइट ऑफ कप्स, और वो अपना कब आपको शेयर करेंगे। तो यहाँ पे डेफिनेटली मुझे एनर्जी ऐसी ही आ रही है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ना अभी परेशान हैं, उदास हैं, बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। तो गॉड आपको बोल रहे हैं कि होपफुली रहिए, उनके पास आपके लिए प्लान है, बहुत अच्छा प्लान है। उनके ऊपर ट्रस्ट कीजिए, उनके प्लान के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। आपको उनके प्लान के बारे में नहीं पता, लेकिन गॉड को आपकी लाइफ के बारे में सब कुछ पता है, ठीक है। आपकी पास्ट लाइफ भी, आपकी प्रेजेंट लाइफ भी, और फ्यूचर में जो आने वाला होगा, गॉड को सब कुछ पता है, ठीक है। और गॉड के पास सबके लिए बहुत अच्छा प्लान है, ठीक है। आपके लिए बहुत जल्द कुछ नया स्टार्ट होगा, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगी, आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। 9 ऑफ वैंड्स, आपने बहुत टाइम से, आपको लगता है कि आप, लगता है इस अपनी लाइफ में अकेले ही रहेंगे, पूरी जिंदगी अकेले ही आपको बितानी है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। गॉड कह रहे हैं उनके ऊपर ट्रस्ट रखिए, उनको सरेंडर कीजिए, अपने सारे के सारे जो भी आपकी तकलीफें हैं, दुख हैं, ठीक है, उनको 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 बोलिए, उनको सरेंडर कीजिए, उनके उनसे प्रेयर कीजिए, ठीक है। वो आपके साथ हमेशा हैं, ओके। वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको समय समय पर गाइड करते हैं, कैसे भी। अभी आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं तो वो आपको गाइड ही कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मेरे थ्रू आपको पता लगा है कि आपको आगे चलकर होपफुली, आपको अभी से ही होपफुली रहना है अपने आगे के लिए, ठीक है। परेशान नहीं होना है, गॉड के पास सबके लिए बेटर प्लान होते हैं, ठीक है। और एट द एंड उनको खुशी मिलेगी, ठीक है। तो अगर आपके पार्टनर आपसे अभी बात नहीं कर रहे हैं, या कुछ के मुझे मैसेज भी आए थे कमेंट सेक्शन में, उन्होंने मेरे को बताया था कि उनके पार्टनर की शादी हो गई है, ये है वो है, मुझे काफ़ी कुछ बताया लोगों ने, तो मैं उनको यही बोलूँगी कि आप स्टक मत रहिए, ठीक है। जो चीज़ आपके लिए नहीं बनी है, जो आपसे बहुत दूर चली गई है, तो आप भी मूव ऑन कीजिए। क्यों किसी के पीछे आप अपनी ज़िंदगी वेस्ट कर रहे हैं, रो कर, उदास होकर, ठीक है। तो प्लीज़ गॉड पर ट्रस्ट कीजिए, आपके लिए बहुत बेटर प्लान है उनके पास, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि बहुत लोगों के लिए कुछ न्यू उनकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है, कुछ सरप्राइज़ आने वाला है, इसीलिए आपको एंजल नंबर शो हो रहे हैं। और गॉड आपको बार बार यही बता रहे हैं कि उदास मत होइए, बिल्कुल होपफुली रहिए आगे के लिए, क्योंकि वो आपके साथ हैं, गॉड हमेशा आपके साथ हैं, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग, आई होप कि आपको अच्छी लगी हो, आपके साथ रेजोनेट हुई हो। अगर रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर देना, ताकि आप फ्यूचर में आने वाली कोई भी रीडिंग मिस ना करें। तो अभी के लिए बस इतना ही,
बाय।